पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। सबसे पहले एक अच्छा विद्यार्थी, अच्छा मनुष्य, अच्छा व्यक्ति बनने की जो मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूं। प्रातः काल उठी के रघुनाथ था, मां तो पिता गुरु नवाब रही मां था। इस मंत्र को हमेशा याद रखिएगा आप लोग। हम लोग अंग्रेजी की तरह पढ़ गए हैं, जिसको देखो गुरुओं ने इसको बंद कर दीजिए, पैर छू के प्रणाम कर लीजिए, जो अच्छा लगे उसका भी और माता पिता और गुरुजनों का तो जरूर पैर छू के प्रणाम करो। निश्चित रूप से आशीर्वाद जो है हमेशा फलता है और बदुआ जो है हमेशा लगती है। आशीर्वाद हमेशा फलता है, बदुआ हमेशा लगती है। तेजी से खड़े होते हैं उतनी तेजी से बैठ जाओ। आप लोगों को बताऊं लग है कि आप लोगों से एयरफोर्स का कोई एग्जाम देने जाएगा तो उसमें काफी सबको दे दिया जाता है और हाथ ऊपर लगा दिया जाता है। एक आपको काफी दे दिया जाएगा, हाथ ऊपर लगा दिया जाएगा और कहा जाता है कि स्टार्ट पॉइंटिंग, उसके बाद शुरू हो जाओ। जैसे ही 40 मिनट होता है कहते हैं स्टॉप पॉइंटिंग। स्टॉप पॉइंटिंग का मतलब कलम नीचे हाथ ऊपर। जैसे बोला खड़े हो जाओ, बहुत तेजी से खड़े हो गए, बहुत तेजी से बैठे हुए पैर दर्द कर रहा होगा। जब मैंने कहा बैठ जाओ तो उतनी तेजी से बैठा करो। चलिए धन्यवाद आप लोगों का। ये केवल अधिवेशन के लिए है कि आप हमें देखें। आप बात है पुलिस की पाठशाला, कानून का सम्मान, कानून से जीवन आसान। आपको टोल फ्री नंबर बताए गए, अभी टोल फ्री नंबरों में मैं चाहूंगा 3 नंबर आपको याद रखो। 112, 112 नंबर सबसे बड़ा मंत्र है सहयोग लेने के लिए। 112 नंबर से पुलिस मिलेगी, एम्बुलेंस मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। कैसे देखना, जब आपको लगे कि आप आपत्ति में हो। दूसरा नंबर है महिलाओं के लिए 1090, महिलाओं के लिए 1090। 1090 पे आपको कोई पीछा कर रहा है, कोई बदजुबानी बोल रहा है, आपको घूर रहा है, आप 1090 पे कॉल करिए। वहां पर एक हमारी महिला रहेगी जो आपको सुनेगी और महिला भी सुनेगी आपकी समस्या। उस महिला का जो मेरे पास फोन आता है तो ये कहा जाता है कि साहब ये नंबर किसी को आप बताइएगा मत और आप इसकी जांच करिए, ठीक है। उसकी 6 महीने तक मॉनिटरिंग होती है। कितने महीने? 6। आप लोग 6 महीने एक बार कॉल करोगे तो समझ लो गिरे रहोगे। 6 महीने तक जब आप एकदम कह देंगे कि हम संतुष्ट हैं, हमारी समस्या खत्म हो गई, तब जाके उस नंबर को बंद किया जाता है। तो 6 बार कॉल करने पर 6 महीने आपको हेल्प मिलता है। इससे ज्यादा तो मैं नहीं समझता हूँ कोई हेल्प कर सकता है। और इस धरती पर सबसे बड़े मददगार आपके माँ और पिताजी, उससे बढ़के कोई मददगार नहीं हो सकता है। सबसे पहले आप अपने परिवार में जब भी कोई समस्या हो अपनी जल्दी अपनी माँ जी को बताइए। रोते हुए बताइए, दुखी हुए बताइए, कैसे भी बताइए, लेकिन आपके साथ कोई अनहोनी घटना घटित होती है तो आप अपनी माँ को जरूर बताएं। परिवार में महिला के लिए माँ से बड़ा कोई दोस्त मैं नहीं समझ रहा हूं हो सकता है। कभी कभी कुछ बच्चे भी अपनी माँ के बहुत दोस्त हो जाते हैं। कितने हाथ उठा देना, माँ माँ करके हाथ उठाओ। सब नहीं हो, सब नहीं हो सकते हैं। मैं माँ से भी नहीं हूं, मैं आपके सामने कह रहा हूं, लेकिन लड़कियां जरूर माँ के प्रेमी होती है। कभी बात से कुछ जी नहीं कहा हो। सबसे पहले आप अपनी माँ से बताइए। तीसरा नंबर है
जो साइबर क्राइम से संबंधित है, कितने नंबर है इनके बैंक अकाउंट है, कितने हैं जिनके अकाउंट में पैसा है, आपके पास कोई मैसेज आता है, आपका क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, आपका ये हो गया, आप अपना ओटीपी बताइए, केवाईसी करिए, कुछ इंडियन पेनल कोड और रेटिंग 395 ठीक भाई, भारतीय 302 कौन कौन सुना हो, क्या होती है 302, क्या होता है 302 हो जाता है, कोई आदमी किसी मुकदमे में दिखाने से पहले यदि कोई मुकदमा दिखाने जाते हैं उस आदमी का एक आदमी का मरना होना जरूरी है, तभी 302 दूसरे पे लगती है, किसी घटना में कोई मर जाता है तो 302 धारा लगती है। कितनी समझ आ गई, कितना काफी है, मैं जानता हूं जब मैं तुम्हारे पास पढ़ता था तो सामने वाले आदमी को यही कहता भले कितना भी कह लिए हो, कहता था कि पता नहीं कितने देर तक बहुत 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 बोले ये पुलिस की पाठशाला है, इतना भी याद रखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब बात आती है आप लोग अपने घर जाओगे, कितने बच्चे हैं, 800 बच्चे हैं तो कम से कम मेरे हिसाब से 500 घरों में जाओगे, किसी घर में 2-3 बच्चे नहीं होंगे, 500 से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, करबद्ध समझते हो, करबद्ध कोई करके दिखा देगा, खड़े हो खड़े बुढ़िया खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, मैं देख रहा हूं, आप लोग ने आगे सीख लो कोई चीज है अपने आगे खड़े हो जाओ, करबद्ध किसे कहते हैं, करबद्ध कृपाओ, इसको थोड़ा सा और सटाओ, ऐसे होता है करबद्ध, ये कोहनी भी सटे ऐसे हो तब करबद्ध होता है, तो भेदी ऐसे ही करबद्ध प्रार्थना है। आप सभी प्यारे बच्चों से आप अपने घर जाओगे तो अपने पिताजी, अपने चाचाजी, अपने भैया जी से ये कहना कि नशा किसी भी हालत में नहीं करना है, क्या कहोगे, आप लोग अपने परिवार अपने अगल बगल के लोगों को जागरूक करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारा सहारनपुर चिल्काना क्षेत्र जो यमुना नदी के किनारे जितने भी गांव हैं सभी गांव में नशा भोली अंतर तक घुस चुकी है,